हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट नवलेखा के बारे में। तो क्या है प्रोजेक्ट नवलेखा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट नवलेखा है वो गूगल का एक प्रोजेक्ट है जो अभी बेसिकली इंडिया के लिए लॉन्च है, वो किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या पहले तो वो देखते हैं। देखो, नवलेखा का जो मीनिंग होता है वो होता है ए न्यू वे टू राइट, मतलब जो लिखने के एक नया तरीका है उसके बारे में बेसिकली यह है। अब इस प्रोजेक्ट में फोकस किया गया है इंडिया के जो राइटर्स हैं ना, लोकल पब्लिशर्स, उनको भाई कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल का मतलब यह है कि उनकी जो बुक्स वगैरह है ना उनको ऑनलाइन रखा जाए, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बुक्स हैं वो पब्लिश हो जाएंगी। फिर मतलब हमारे देश के जो लोकल पब्लिशर्स हैं, लोकल लैंग्वेज के जो कंटेंट है इसको प्रोवाइड करवाने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये बेसिकली इसमें काम किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि ये मान लो कोई भी लोकल ऑथर है, जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक है मान लो। अब इमेजिन कर लेते हैं कि लोकल ऑथर है और ये बुक लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो क्या करेगा गूगल? गूगल जो भी लक्ष्मीकांत के राइटर हैं उनको एक्चुअली क्या बोलेगा कि भाई आप, हम आपको एक वेबसाइट दे रहे हैं, आप इस वेबसाइट पे अपनी जो बुक है इसका कंटेंट डालिए और हम आपको फ्री में जो पब्लिसिटी वगैरह उसका मौका यहाँ पे देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, जिन भी लोगों को लक्ष्मीकांत की हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जिस भी लैंग्वेज में जरूरत है उन लोगों को वो बुक इजीली एक्सेस मिल जाएगी। इसके साथ ही जो ऑथर है उसको भी काफ़ी फायदा होगा क्योंकि उसकी भी पब्लिसिटी हो जाएगी, तो मार्केटिंग करने का भी उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है वो यहाँ सामने आ जाएगा। तो गूगल यही यहाँ पे ये कर रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी हेल्प से जो भी लोकल पब्लिशर है हमारे देश में, बात करें लगभग 1,35,000 लोकल लैंग्वेज के पब्लिशर्स हैं मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो, उनको ऑनलाइन क्या है मौका दिया जा रहा है यहाँ पे कि भाई वो अपनी फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपनी वेबसाइट को मेंटेन करके रख सकें। जिससे फायदा ये होगा कि इंडिया के लोकल लोकल ऑथर्स की जो बुक है वो जो डिफरेंट लैंग्वेज में होगी, जैसे कि हिंदी में होगी, इसके बाद में मराठी में होगी, गुजराती में होगी, तमिल में होगी, तेलुगु वगैरह में होगी, कन्नड़ वगैरह ऐसे, तो उन बुक्स में आपस में इजीली एक्सचेंज हो जाएगी और जिन भी लोगों को बुक्स की जरूरत होगी वो आराम से उन बुक को एक्सेस है वो कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि जैसे मान लो कि दिल्ली के अंदर कोई हिंदी मीडियम की बुक है वो साउथ इंडिया में नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे कोई भी अगर यूथ है जिसको बुक की जरूरत है फिर वो स्टडी वगैरह में काफ़ी दिक्कत है वो आती है, तो अगर सारा कंटेंट ऑनलाइन रहेगा तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, हम कहीं भी उसको एक्सेस है वो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी बुक्स वगैरह है उसके हमें फ्री में PDF वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल का जो गूगल बुक्स का जो ऐप सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, हम बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उसी तर्ज पे थोड़ा और एडवांस फॉर्म में एक प्रोजेक्ट नवलेखा है वो लैग है। ये आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है तो कि प्रोजेक्ट नवलेखा वो किस रिलेटेड है, गूगल से है। होगा क्या इसमें, इसमें होगा ये कि भारत के जो लोकल ऑथर्स हैं उनको अपना कंटेंट है वो लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने का एक मौका दिया जाएगा फ्री में, ये काफ़ी सारे सपोर्ट्स उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है यहाँ पे मेघालय को लेके। मेघालय की गवर्नमेंट स्टेट असेंबली है उसने अभी वहाँ पे एक एक्ट पास किया है जिसमें ये प्रावधान किया है कि जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको एक्चुअली अपना मेरिट सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियली दिखाना होगा, मतलब अपना मेरिट सर्टिफिकेट है वो उनको अपना शो करना होगा। ऐसा क्यों उन्होंने किया है, ऐसा उन्होंने एक्चुअली कुछ, देखो कई बार क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं जॉब वगैरह कर रहे होते हैं वो कई बार अपने परिवार वगैरह को त्याग देते हैं, मतलब अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे होते हैं। उस कंडीशन में आप खुद जानते हो कि अगर ये मान लो कि कोई मेल पर्सन है वो अपने परिवार को त्याग देता है तो जो फीमेल होती है घर में, जो वुमेन है वो अपना जो भी भरण पोषण है वो कैसे कर पाएगी, या फिर जो बच्चे हैं उनका जो मेंटेनेंस वगैरह वो किस तरीके से होगा, मतलब बच्चों के लालन पालन हो उसमें काफ़ी दिक्कतें वो आती हैं। तो इसीलिए मेघालय गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि भाई उनको जो भी मेरिट सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा अगर वो अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट हैं वो नहीं दिए जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट उनको जो बेनिफिट दे रही होती है वो बेनिफिट उनको नहीं प्रोवाइड करवाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं इसलिए। तो इससे होगा यह बेनिफिट कि जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ रहेंगे और बच्चों का जो भरण पोषण है वो केयरिंग है वो भी होती रहेगी। इसके साथ ही कई बार जैसे शादी के बाद भी कुछ पर्सन दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, उस कंडीशन में भी ऐसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा और वो खुद भी अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट उनको बेनिफिट दें और वो आराम से अपनी लाइफ है वो व्यतीत कर सकें। तो ये एक बेसिकली मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा एक नया स्टेप है वो लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी देखते हैं और हम जो करंट का कंटेक्स्ट है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
करंट का कंटेक्स्ट ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको बताया कि वो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे काफ़ी सारे अभी टाइगर्स की डेथ है वो हो गई थी। अब कुछ की नेचुरल भी डेथ हुई है, कुछ का शिकारी पोचिंग वगैरह के रीजन्स की वजह से भी डेथ है वो हुई है। तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो इसको अपनी गिफ्ट में लेने की कोशिश में है कि भाई हम इस पर निगरानी रखें, एक बार देखें पता चले कि क्या क्या वहाँ पर गड़बड़ा वगैरह हो रही है इन सबको चेक करने के लिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कहाँ पे, यह है उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। 1936 में बेसिकली इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से दर्जा है वो दिया गया था और बनाया गया था। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम कॉर्बेट जो कि एक महान आपको पता है शिकारी थे, उनके नाम पे बेसिकली इसका नाम है वो रखा गया था। और बेसिकली इसी के अंदर जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, वो है सोनदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका नाम भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो जाता है। इसी के साथ ही इंटरनेशनल जो बर्ड लाइफ है उसके द्वारा जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसमें इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर है वो किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बर्ड्स की स्पीसीज हैं, बर्ड एरिया है वो भी यहाँ पे है, तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में वो रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2015 में, वो कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से रामगंगा रिवर है वो फ्लो करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखने हैं। इसी के साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके बारे में हमने भी 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसका निर्माण है वो किया गया था, तो वो बेसिक फैक्ट हमने वहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड सर्विस, तो ये चीज़ हम सॉरी साइंस, तो ये देख लेते हैं क्या। देखो बेसिकली ओशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओशन के डेवलपमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको ढंग से मेंटेन करने के लिए, मतलब ओशन के अंदर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी या रिसर्च वगैरह होती है, जो भी ओशन के रिसोर्सेज हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, जो भी वहाँ पे साइंस है, उनको सबको एड्रेस करने के लिए बेसिकली ओ स्मार्ट स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। कंटेक्स्ट तो अभी है कि गवर्नमेंट इसमें अभी फंडिंग है वो प्रोवाइड कर रही है, तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओशियन के अंदर देखो जो भी ओशियन रिसोर्सेज हैं, आप बोल सकते हो कि मरीन रिसोर्सेज हैं, उनको ढंग से यूज किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14 टारगेट है, SDG का जो 14 गोल है उसका मेन मोटो यही है कि भाई ओशियन को कंजर्व करना है हमें और ओशियन के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि मरीन रिसोर्सेज सडनली ख़त्म ना हो जाएं और उनको हम मेंटेन करते हुए आगे चल सकें। इसके साथ ही बात यह है कि जो फिशरमैन होते हैं उनको देखो लाइव इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वेदर की, इसके तहत ताकि फिशरमैन को देखो लाइव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वो अपनी कहीं ना कहीं जो भी मतलब अगर जैसे फिशिंग करने जा रहे हैं तो वो अगर वेदर ख़राब होगा तो वो पहले अलर्ट के थ्रू अपने आप मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे सोर्स वगैरह के थ्रू। इसके साथ ही उनको फिशिंग का पोटेंशियल बताया जाएगा कि भाई आप फिशिंग करने जा रहे हो तो इस वाले एरिया में फिश ज़्यादा है तो आप वहाँ पर जाके फिशिंग कीजिए ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको बेनिफिट रहेगा। इसी के साथ ही स्टेट के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि जब भी कोई सुनामी वगैरह आ रहे हो या फिर कोई साइक्लोन वगैरह आ रहा हो तो उनको अवेयर है वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी हमारी ओशियन पर डिपेंड करती है, मतलब जैसे कि हम फिशिंग वगैरह करते हैं ओशन से हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, कीमती पत्थर वगैरह भी हम वहाँ से लेके आते हैं, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस होती है, वो होगी सारी ब्लू इकोनॉमी, तो इसमें हमें काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। तो ओ स्मार्ट को लेकर हमें पता होना चाहिए कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, वहाँ की सर्विसेज टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14 टारगेट है उसको हम ढंग से अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है PMSTIAC के बारे में। क्या है PMSTIAC? ये है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। कंटेक्स्ट अभी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है इसका अभी नया गठन है वो किया गया है, मतलब पुराने वाली को अभी रिप्लेस किया गया है नई वाले के थ्रू। तो इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट के जो 21 मेंबर हैं उनका एक पैनल है वो बेसिकली बनाया गया है, जो पुरानी साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसको रिप्लेस करेगी। इसके थोड़ा कंपोजिशन और इसके थोड़ा फीचर्स देखते हैं। कंपोजिशन की बात ये है कि प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के हेड होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखने, पहली बात तो ये। इसका काम ही होगा
कि देखो प्राइम मिनिस्टर को यह कोऑर्डिनेट करेगी, प्राइम मिनिस्टर को गाइड करेगी साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में, या फिर जैसे कि प्रधानमंत्री का अगर कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेकर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसके बारे में उनको बताना, मतलब एडवाइस देना कि सर आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये इसके नुकसान हो सकते हैं, आप कोई भी स्कीम लाओ तो उसके बारे में अच्छे से ब्रीफली बताना। जैसे कि प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का मोटो था, तो डिजिटल इंडिया में इनोवेशन की जरूरत भी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, काफ़ी रिसर्च वगैरह की जरूरत होती है, तो वो सारी एडवाइजरी वगैरह है वो सब इसी काउंसिल के द्वारा बेसिकली दी है हो जाती हैं। इसके साथ ही जो डेवलप क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ एक्सीलेंस है, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि और अच्छी साइंस के एरिया में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस है वो कर सकें। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रोजेक्ट नवलेखा, जो कि गूगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। इसमें इंडिया के जो लोकल ऑथर्स हैं उनको ऑनलाइन मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट वेब होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई देंगी ताकि वो अपनी मार्केटिंग भी कर सकें और अपनी जो बुक है वो सभी लैंग्वेज में लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। इसके साथ ही बाद में हमने देखा कि मेघालय ने भी एक एक्ट पास किया है जिसमें ये प्रावधान किया है कि भाई जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको अपना मेरिट सर्टिफिकेट शो करना होगा, अदरवाइज उनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि ताकि फैमिली को यूनिटी के साथ रखा जा सके और जो बच्चों की केयरिंग वगैरह है उसके ऊपर भी फोकस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, रामगंगा रिवर के किनारे पे है। इसके साथ ही हमने ओस्मार्ट स्कीम के बारे में डिस्कस किया, जो कि ओशियन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके थी, और इसी के साथ ही हमने प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के बारे में डिस्कस किया, जो कि प्रधानमंत्री को साइंस के मामले में या फिर आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी के या फिर नए इनोवेशन के मामले में एडवाइस देने का काम है वो बेसिकली करती है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।